क्योंकि बकेट सीट में बैठ के आप जो पुश करते हो ना, तो लिटरली उसका फील अलग ही आता है ऐसा। इज वाइट इज कॉल्ड डीजल रॉकेट। अभी आपने देखा क्या भागती है यार, सीरियसली डीजल रॉकेट। अभी आपको फाइनली वीडियो एंड करने से पहले एक बार रॉकेट का आपको मजा दिखा देता हूँ। अगर आप ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करो तो अभी आपने देख ही लिया क्या परफॉर्मेंस देती है। गियर पे हूँ, बस इसी गियर पे बस आपको एक्सीलरेटर प्रेस करना है। देखो 120 कब आ जाती है पता ही नहीं चलता गाइस, सीरियसली 120 130 आ चुकी है, अब 140 पहुंच चुकी है। हे गाइस व्हाट इज अप। तो आज मेरे सामने खड़ी एक बहुत ही प्यारी सी ब्लैक कलर हुई सेक्स लुक देने वाली क्रूज, जिसको मैंने 5-6 महीने पहले ही खरीदा था। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यह है क्योंकि काफी लोगों को क्रूज सेल पे दिखती है, काफी कम प्राइस में दिखती है, काफी ज्यादा प्राइस में दिखती है। तो आज का वीडियो यही है, क्या इसको लेना 2024 में वर्थ इट है या नहीं। आज का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना, आपका मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को पूरा देखो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसका एक बार ओवरव्यू आपको देता हूँ, उससे पहले हम शुरू करते हैं इंजन बे से, क्योंकि हम चलाने के लिए तो क्रूज लेंगे राइट। तो एक बार मैंने बॉनेट खोल लेता हूँ इसका। ये मैंने खोल लिया बॉनेट। अब अंदर का ओवरव्यू डाल ही रहे हैं तो एक बार सीट्स देखो। इसमें बकेट सीट्स मिलते हैं काफ़ी कुशनिंग के साथ, जो लंबर सपोर्ट भी इसमें मिलता है। फिर पीछे के सीट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये रहे पीछे के सीट्स, वो गंदा आप छोड़ दो, इग्नोर करो, मैंने कार अंदर से क्लीन नहीं किया। तो ये रहा एक इसका हैंड रेस्ट, फिर वो पार्सल ट्रे, और यहाँ से भरते हैं डीजल, जो सिर्फ डीजल ही भरते हैं, इसमें कोई वो एड ब्लू वगैरह नहीं आता, क्योंकि 2012 में एड ब्लू वगैरह का कुछ सीन नहीं था। फिर इंजन का बे खोलते हैं, जिसको हुड बोलते हैं, बॉनेट कुछ भी हो। चलो तो ये रहा अपना चमचमाता हुआ इंजन, इसको एक बार मैं टांग देता हूँ इधर। यस, तो ये रहा अपना चमचमाता हुआ इंजन। ये है 2 लीटर टर्बो VCDI 16 वॉल्व इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 167 HP और 360 Nm का टॉर्क। सुनने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ना, ऐसा चलाने में इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्क है। सीरियसली इस प्राइस रेंज में और इस बजट में अगर इतना ज़्यादा टॉर्क अगर आपको मिल जाए तो सीरियसली ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इसलिए तो ये गाड़ी को हम डीजल रॉकेट कहते हैं। और क्यों कहते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक बार मैं बॉनेट को क्लोज कर लूँ, कितना हैवी बॉनेट होता है ये। फिर एक बार आपको कार का ओवरव्यू देता हूँ मैं, एक बार पूरा लुक हम देखते हैं। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखो तो ये आती है 5-स्टार रेटिंग के साथ। हाँ गाइस, 5-स्टार रेटिंग के साथ 2 एयरबैग्स और काफ़ी ज़बरदस्त, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे आते हैं। इसमें चाइल्ड सीट माउंटिंग आता है, फिर सीट बेल्ट टेंशनर आते हैं, सेफ्टी के लिए ABS आते हैं। इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ दिखने में। और डिज़ाइन और कम्फर्ट की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो डिज़ाइन देखो आप, कम्फर्ट में बाद में बात करता हूँ। डिज़ाइन देखो आप, अगर डिज़ाइन की हम बात करें तो डिज़ाइन यार सीरियसली स्पोर्टी लुक देता है सामने से, दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, मस्कुलरिटी देती है एक, हम ऐसा लगता है ना जो मस्कुलर फील आता है इस कार को देख के, अमेरिकन मस्कुलर्स। इंस्टाग्राम ID जाके आप क्विकली फॉलो कर दो, और ये रहा अपना यूट्यूब चैनल, जाके सब्सक्राइब कर दो जल्दी, बस 2 सेकंड लगते हैं। फिर हम बूट स्पेस की अगर बात करें, देखो अंदर तक इसमें बूट स्पेस जाती है, मैंने इसमें काफ़ी सारी स्पेस यूटिलाइज कर लिया। एक तो मैं एम्प ऊपर फिट किया हूँ और कार का कवर रखा है, इसके लिए अंदर तक आप जा सकते हो। एक बार इसका साइलेंसर टिप देखते हैं, क्योंकि कंपनी के साथ इतना बड़ा साइलेंसर टिप आता है इसमें। तो ये रहा इसका साइलेंसर टिप, पूरा फुली एग्जॉस्ट है ये, मतलब कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है, हमने कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं लगाया। वो देखो इनटेक वहाँ से आता है, फिर मफलर पे जाता है, फिर साउंड थोड़ा फिल्टर हो गया, फिर इसमें से यहाँ पे आता है। कंपनी चाहती तो इसको डबल एग्जॉस्ट भी बना सकती थी, उधर से क्या एप्लीकेशन डाल सकती थी, बट आई डोंट नो क्यों नहीं बनाया। अगर बना दे तो पावर और थोड़ा इंक्रीज़ हो जाती, विच डेफिनेटली ये प्लस पॉइंट फॉर अस। ये है क्रूज LT मॉडल, इसके 3 वेरिएंट्स आते थे इंडिया में, LT, LTZ और LTZ में 2 मॉडल्स आते थे, एक था वो ऑटोमेटिक वाला और एक था मैनुअल वाला। मेरा बस LT है, इट्स काइंड ऑफ बेसिक वर्शन आप बोल सकते हो, आपको मेजर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा बेसिक और टॉप एंड में। बस इसका आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ, उसमें सनरूफ आता है, क्रूज कंट्रोल आता है, देन यहाँ पे जो फॉग लैम्प्स के जो स्पेस हैं
यहाँ पे फॉग लैंप्स आते थे, अब इसमें बस स्पेस दिया है, इसको हम निकाल के फॉग लैंप्स डला सकते हैं। मैंने एक LEDs डला के रखा है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं उस हेडलाइट्स को भी चेंज करने वाला हूँ, जो DRLs आते हैं उसको मैं चेंज कर देता हूँ। सो आई डोंट थिंक सो मुझे वो डलाना पड़ेगा, बाद में अगर देखेंगे कभी फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ी तो डला लेंगे। देन ये रहा 2.0 का बैजिंग, पूरी ब्लैक में बस कार ऐसी दिखती है गाइस। मुझे अभी इसको पॉलिशिंग करानी, क्योंकि ए डोर देखो पॉलिश हो चुका है, एक बार टेस्टिंग के लिए किया था तो उसमें आप मेरा रिफ्लेक्शन देख सकते हो, इसमें पूरा पॉलिश हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन कम मारे, इसको पॉलिशिंग कराना है, यानी कि बफिंग और पॉलिशिंग, बफिंग रबिंग जो कहते हैं वही कराना है। और मैंने टिल्टेड ग्लास 100% करा के रखी है, क्योंकि अभी बस वो वेदर देखो गाइस कितना ज़्यादा गर्मी है, तो अगर टिल्टेड ग्लास नहीं हो तो जाना मुश्किल हो जाए। आई नो इट्स इलीगल, बट अगेन मैंने करा के रखा है। अगर आप, मैंने उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख लो, मैं आई बटन में डाल दूंगा। फिर इसमें मिलते हैं चारों डिस्क ब्रेक्स, यहाँ पे भी डिस्क है, मैंने उसको कैलिपर्स को रेड पे करके रखा है, और शेवरले की बैचिंग, और यहाँ पे भी डिस्क है, देन वहाँ पे भी डिस्क है, वो दो मतलब चारों डिस्क ब्रेक है। ब्रेकिंग के मामले में कार इज़ वेरी ऑसम, बहुत जल्दी खड़ती है। इसका ब्रेकिंग का डिस्क ब्रेक देखो, इसका एक ड्रम का साइज़ भी देखो और इसका भी साइज़ देखो, काफ़ी जल्दी रुकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा भाग दिया तो रुकना तो पड़ेगा इसको ब्रेकिंग के मामले में और भागने के मामले में, बस काफ़ी अमेजिंग। चलो आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, अभी हम चलते हैं ड्राइव पे। ऑलराइट, मैंने चाबी कहाँ छोड़ दी। और हाँ, जब मैं आपको बोल रहा था टॉप एंड में आपको और एक फीचर आता है, वो है पुश स्टार्ट बटन, इसको यहाँ पे पुश स्टार्ट आता है, वो अभी इसमें नहीं है, मुझे की से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप LTZ लेते हो तो पुश स्टार्ट मिलता है, फिर यहाँ पे सनरूफ मिलता है, यहाँ पे इसी का स्पेस देख कर रखा है, जो बटन सनरूफ कहते हैं वही है। लेट मी स्टार्ट द कार, क्योंकि गर्मी बहुत है गाइस बिना ऐसे के रुक नहीं सकते। मैं इसको अभी स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये कहाँ से आ गई, चलो अभी मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, मैं सीधा ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ा AC तो चला लूँ मैं, क्योंकि बहुत गर्मी है इधर। आपको थोड़ा सा नॉइस आएगा AC का, आई रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ी देर तक मैं रखता हूँ फिर उसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर एक बार डाउन हो गया तो आई डोंट थिंक सो AC की ज़रूरत पड़ेगी। देन मेरा GoPro रिकॉर्ड हो रहा है राइट, ठीक है हो रहा है, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, GoPro रिकॉर्डिंग डालने के बाद तो ऑफ हो जाता है, पता नहीं चलता उसको ऑफ हुआ या नहीं। फिर अभी हम चलते हैं ड्राइव पे, फिर देखते हैं कार को परफॉर्मेंस में दिखाता हूँ। अभी देखो मैं अभी 10 पे जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ड्राइव करता हूँ, फिर देखते हैं क्या परफॉर्मेंस में निकलेगी है। बस अब देखो माय गॉड, अगर आपने नोटिस किया हो RPM तो ना, RPM अगर आपने नोटिस किया हो तो 1000 से लेके RPM एकदम 4000 तक गया ना, तो इतना खींची कार, रियली आपको मैं बता नहीं सकता। वो मैं आपको थोड़ा सा माइक वगैरह एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप टर्बो को भी वॉइस सुनो। मैं थोड़ा सा एक कच्चा बच्चा रास्ता छोड़ के हम चलते हैं थोड़े अच्छे रास्ते पे। ये बहुत साइरन कर रहा है तो मैं थोड़ा सीट बेल्ट डाल लेता हूँ, क्योंकि सीट बेल्ट के बिना ये रुकता नहीं, एक तरह से हमारी भी सेफ्टी है। और तो अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा अच्छे रास्ते पे। वेल ऑलराइट गाइस, पूरा सेट हो चुका है, कैमरा वगैरह और माइक वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, इंजन का नॉइज भी, क्योंकि मैंने एक माइक इंजन में फिट किया है ताकि आपको टर्बो स्पूक सुनाई दे, टर्बो पुल पुल जो बोलते हैं वो। अब ये देखो स्विफ्ट वाला, इसका मैं क्या करूँ, इधर उधर देखते नहीं तो ये घुस जाते हैं। अच्छा भाई, ओहो, देखो गाइस क्रूज लेने का यही एक फ़ायदा है, इसको सर्विस आप लोकल गैरेज में कराओगे तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी शेवरले के काफ़ी कुछ शोरूम्स बंद हो चुके हैं। ये अगर मैं खोल दूँ तो आपको ठीक से दिखाया जाए कैसे आ रहा है वो, देखो ये जो सेंटर वाला है ना, वो मुझे बहुत पीछे से फॉलो कर रहा है, मैं उसको आगे जाने देता हूँ, क्योंकि पता नहीं बहुत अर्जेंट में है ये। चला जा भाई, सबको अर्जेंट है, मैं इसको चढ़ा देता हूँ। सो हाँ, मैं यही बोल रहा था, आप लोकल मैकेनिक से अगर आप कराओगे तो ही मस्त रहेगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे शोरूम्स बंद हो चुके हैं। अगर आप जाके महिंद्रा में कराओगे, क्योंकि शेवरलेट की आई गेस महिंद्रा ही लेती है, अगर आप जाके वहाँ पे कराओगे तो काफ़ी पैसे वो ले लेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी इंपोर्ट करके वो फिट करेंगे, तो बेटर गो विथ द लोकल मैकेनिक। तो अभी मैं उसका खर्चा वगैरह बता देता हूँ। इसका इंजन ऑयल आता है सिर्फ
यार अगर मोटा मोटा मैं बता दूं ना, इसका पूरा सर्विस आपको 6-7 हज़ार या 8 हज़ार या 10 हज़ार के अंदर हो जाता है मैक्सिमम। अगर आप पकड़ के चलो तो 12 से 15 हज़ार चलेगा। अगर आप ब्रेक पैड पे चेंज करा रहे हो, देन आप इंजन ऑयल के साथ कूलेंट भी डलवा रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ पूरा सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक ऑयल लगा डालने का इसमें, क्योंकि एक तो ये 2.0 लीटर इंजन है, इसमें सेमी सिंथेटिक आप डाल सकते हो, बट फुली सिंथेटिक अगर आप डालोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उस रेट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। बाकी आपका मेंटेनेंस का आपका खर्चा है, वो आप रफली आप पकड़ सकते हो, कोई फिक्स्ड मेंटेनेंस नहीं होता, क्योंकि कुछ कार में कुछ और काम आ जाते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। गाइस इट्स अ BMW M5 विथ अ V10 इंजन। काफ़ी रेयर गाड़ी है जो यहाँ पे दिखने को मिली। अगर आप कैमरा में देखोगे नहीं, मैं थोड़ा सा उसको आगे करता हूँ। अब भाई अभी आप इसका परफॉर्मेंस देखो, मैं बस अभी फोर्थ गियर पे हूँ। देखा गाइस आपने, देखा तो यही है क्रूज लेने का फायदा। तो गाड़ी 120 पहुंच चुकी है सिर्फ 2000-3000 आरपीएम में, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के समय अगर मैं इतना स्पीड चलाऊं तो होगा नहीं, थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। यार स्लो करने का मन ही नहीं करता है। अगर आप ये गाड़ी को चलाने बैठोगे ना तो आपको स्लो करने का मन ही नहीं करता, सीरियसली। वही खास बात है इस क्रूज की। अभी मैं थोड़ा जानबूझ के स्लो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्लो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो मेरा कुछ बोलने नहीं होगा अगर इतनी स्पीड में चलाऊँ तो। चलो मैं सर्विस की बात अगर मैं कह दिया हूँ, अभी आपको इसके मेंटेनेंस की बात बताता हूँ। मेंटेनेंस में ज़्यादा कुछ नहीं होता गाइस। काफ़ी लोग बोलते हैं अभी जा चुकी है शेवरोले, नहीं है इंडिया में तो मेंटेनेंस ज़्यादा होगा वगैरह वगैरह वगैरह। गाइस कुछ भी नहीं है, मैंने इसको जब से चला रहा हूँ बस डीजल डाल रहा हूँ चला रहा हूँ, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस आया नहीं। हाँ बस एक मेंटेनेंस मुझे मिला था, वो है सस्पेंशन के रिलेटेड, जो फ्रंट सस्पेंशन, उसका मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के डाला है अपने चैनल पे। एक बार आई बटन जाके क्लिक कर लो और देख लो उसका सस्पेंशन का कॉस्ट कितना है, सभी उस वीडियो में आपको पता है। पूरा डिटेल व्लॉग बना के डाला हूँ मैं, वो अगर आप वो जाके देख लो। बाकी कुछ मेंटेनेंस में ज़्यादा कुछ होता नहीं गाइस। अगर आप गाड़ी ढंग से चला रहे हो तो मेंटेनेंस का क्या करना है उसमें, और कुछ होगा नहीं मेंटेनेंस। अगर आप डेली भी ड्राइव कर रहे हो तो मेंटेनेंस का कुछ ज़्यादातर नहीं है, बस आप गड्ढो वगैरह देख के चला लो तो बस वही है मेंटेनेंस, और कुछ नहीं है। अब सर्विसिंग कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ रफली वही पकड़ के चलो 8000 तक हो जाएगी ज़्यादातर सर्विस। अगर आप लेके चलो एवरेज 10000 लेके चलो, क्योंकि कभी कभी 15000 भी पकड़ लेती है। और बाकी डिज़ाइन और कंफर्ट की मैं अगर बात करूँ, डिज़ाइन तो आपने बाहर से देख ही लिया होगा, क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन लगती है। ये 2012 की गाड़ी है और आज भी लगती है, नई गाड़ियों से काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली वो डिज़ाइन पसंद नहीं आता, जहाँ पे हेडलाइट्स नीचे होते हैं और DRL ऊपर होता है, वो कुछ अजीब सा लगती है। इस गाड़ी की एक अच्छी पहचान चले जाती है उस वगैरह से, और काफ़ी सारे में ऑटोमेटिक आता है, उसमें ऑटोमेटिक में आई डोंट नो क्यों ऑटोमेटिक लोग प्रीफर करते हैं जबकि मैनुअल इतना मज़ा है। अभी देखो मैं जा रहा हूँ फिफ्थ गियर पे, मैंने पूरे पैर उठा लिए ऊपर, देखो पूरा पैर मैंने उठा लिया। बस गाड़ी क्रूज हो रही है 40-45 पे, बस यही मज़ा है इसका। फिर अभी मुझे स्पीड करना है, चलो मैं फोर्थ गियर डालता हूँ। अभी थोड़ा सा रेव किया, अभी 40 से मैं इसको 50 तक लेके आता हूँ फोर्थ गियर पे, क्योंकि एक ही बार मैं थर्ड पे डाल के जोर से पुश करूँ तो इंजन को थोड़ा दबाव पड़ेगा, तो विच आई डोंट लाइक, क्योंकि पर्सनली मेरी गाड़ी है ना। फिर अभी मैं तो 60 पे हूँ, बस थर्ड गियर डाला फिर दो पुश किया इसको। ओह माय गॉड, ज़ेन वाला तो पीछे ही रह गया, वो हमें साइड मारने वाला तो पीछे ही चला गया। वैसे ही बस यही मज़ा है गाड़ी चलाने का, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ ना, पर्सनली मेरा जो फीलिंग है, आप गाड़ी जब चलाओ ना तो अगर आपको डेफिनेटली अगर जाम शाम में जाके सोना है सुकून से तो ये गाड़ी आंख बंद करके खरीद लो, क्योंकि दिस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू BMW 3 सीरीज। वो देखो आ रहा है पीछे से, आई डोंट नो अगर आप देख सकते हो नहीं उसको, क्योंकि मैं टिल्टेड डाल के रखा है ना, तो आई डोंट नो यार कैमरा में जस्टिफाई कर रहा है नहीं। ये ज़ेन वाला मुझे दो बार साइड मार रहा था, मैं दोनों बार एक्सेलरेटर प्रेस कर दिया तो वो पता नहीं क्या समझ रहा होगा मेरे पे। सीरियसली अमेजिंग। मैं अभी यू टर्न लेता हूँ, मैं टर्निंग रेडियस की भी बात कर लूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि एक तो सेडान है तो लोगों को लगता है थोड़ा ज़्यादा लेगी, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो आराम से एक ही हाथ में टर्न कर सकते हो। स्टीयरिंग का फील देखो, देखो स्टीयरिंग का फील देखो, काफ़ी स्मूथ लाती है। देन अभी इस तरफ से धूप पड़ रही है, थोड़ा सा क्लियर हो चुका है सामने का फ्रंट ग्लास, तो बस अभी चलते हैं थोड़ा। अगर आप ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करो तो अभी आपने देख ही लिया क्या परफॉर्मेंस देती है ये। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको साइड मार के, देखो ये जा रहा है अभी बंदा, इसको जाने देते हैं फिर हम उसको मारेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चला गया, बस मैं थर्ड गियर पे हूँ, बस इसी गियर पे बस आपको एक्सेलरेटर प्रेस करना है। ओह
120 कब आ जाती है पता ही नहीं चलता गाइस, सीरियसली 120 130 आ चुकी है, अब 140 पहुंच चुकी है। ओ भैया जाने दो, काफ़ी साउंड आता है, पता ही नहीं चलता आपको 140 कब पकड़ लेती है। मैं इसमें काफ़ी बार, इसमें मैं 180 तक जा चुका हूँ, मेरी असेंट थी उसमें हम 200 टच कर चुके हैं, इसमें भी मैं 200 टच करता हूँ फुल स्पीड। एक बार ट्राई करेंगे अच्छा रसाला रोड पकड़ के, अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा एक पीछे वाला जो व्हील है वो थोड़ा सा इनबैलेंस सा व्हील है पूरा। एक बार काम करा के हम इसको टॉप स्पीड पे चलेंगे, तब तक आप वीडियो को एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना ज़रूर बोलना। बाकी का लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, देखो आपको एक डेली ड्राइविंग कार चाहिए, अगर आपको सिर्फ कार चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी करे बस आपको कार चाहिए, तो आप आंग बंदर भी कुछ भी जाके ले लो, आपको कार तो कार ही है, सभी कार अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा वो अच्छे ये खराब है, लेकिन आप स्पेसिफिकली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार देख लो काफ़ी कम बजट में और काफ़ी अच्छी, जो 5-स्टार रेटिंग लाती हो, डिज़ाइंस में अच्छी हो, परफॉर्मेंस में अच्छी हो, कंफर्ट अच्छी दो, क्योंकि बकेट सीट में बैठ के आप जो पुश करते हो ना तो लिटरली उसका फील अलग ही आता है, ऐसा लगता है आप कोई जर्मन मतलब बड़ी बड़ी कारों में बैठ के घूम रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ फील इट विल गिव्स, 30-40 लाख की कार में बैठ के चला रहा हो वो फील देती है। सो अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए, आप ही चलाते हो कार, आपको थोड़ा सा ड्राइविंग में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली मैं एक ही बात बोलूँगा, आंख बंद करके कार उठा लो, बाकी कुछ मत सोचो। अगर कुछ भी पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है, बस मैं नीचे कमेंट करके बता दो, या मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम आईडी डालता हूँ, बस उसमें मुझे पिंग कर दो या डीएम कर दो, मैं इंस्टाग्राम में आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है कैसा करना है। बस अगर आपके पास क्रूज़ है तो मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगता है आपको चला के क्रूज़, और बाकी गाड़ियाँ कैसे लगती है। अगर आपके पास क्रूज़ नहीं है, अगर आपके पास लेने का वो मौका है, आपके पास ऑप्शन है क्रूज़ खरीदूँ या दूसरी गाड़ी खरीदूँ, तो आई डोंट बिलीव आप दूसरी कोई गाड़ी पर जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है ना, मैं आपको पहले ही बता दिया था, काफ़ी किलिंग होता है वो, क्योंकि BMW 3 सीरीज जो है उसमें आता है 180 HP देन 380 NM का टॉर्क, बस ये उससे 19-20 का ही फ़र्क है, बस आप इतना लेके चलो। BMW 3 सीरीज जितना भागती है ये उसके लेवल पे भागती है, दैट इज़ व्हाट क्रूज इट इज़, बिकॉज अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी है, आपको तो पता है, अगर उस कंपनी की एक गाड़ी है तो डेफिनेटली मैं कोई बात बोल ही नहीं सकता। दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डीजल रॉकेट। अभी आपने देखा क्या भागती है यार, सीरियसली डीजल रॉकेट। अभी आपको फाइनली वीडियो एंड करने से पहले एक बार रॉकेट का आपको मज़ा दिखा देता हूँ, ऑटो वाले को जाने देता है। अभी आप फाइनली वीडियो एंड करने के पहले एक बार रॉकेट का मज़ा देख लो, बस गियर डाउन, एक्सेलेटर पे पेडल, गाइस अमेजिंग। काश मैं आपको ये सब फील करा पाता ड्राइविंग सीट पर बैठ के आप चला पाते। टर्बो जो फुल लेता है ना, टर्बो 2 लीटर इंजन विथ इतना ज़्यादा पावर, विथ टर्बो, बड़ा टर्बो इसमें डाल के रखा है, इट्स नॉट रियली जो फॉर दिस काइंड ऑफ प्राइस। ये लॉन्च भी हुई थी बस 14 लाख से 20 लाख 18-19 लाख तक, फिर लास्ट इसका प्राइस चला 21 लाख तक चला था, बस वो जो टॉप एंड की बात कर रहा हूँ मैं, मैनुअल की तो बस और थोड़ा कम है, 1-2 लाख आप कम पकड़ के चलो, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी कार थी, पता नहीं इंडियन लोगों का क्या माइंडसेट है यार, बहुत बुरा लगता है यार, इतनी अच्छी गाड़ी है भाई इंडिया में नहीं है, सो इट्स रियली फील बैड, पता नहीं लोगों में क्या इंटरेस्ट जाग चुका है, हमेशा हर कोई जाके स्विफ्ट ब्रेजा हुंडई क्रेटा वही लेता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दोज व्हीकल्स, वो भी ठीक है, बट मुझे बता दो अगर इतना कोई भाग जाएगा ना वो व्हीकल, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ इतना नहीं भाग सकते वो व्हीकल्स, उसमें उतना पावर है ही नहीं यार, वो सब तो बस ऐसे ही बस है कार, इसमें उतना पावर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है वो।